हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम स्क्वायर स्टडी। मैं हूँ मानसी और आज भी हम पिछली वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था वैदिक एज के बारे में, इस वीडियो में भी हम वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक पीरियड पार्ट टू। अगर आपको वैदिक पीरियड पार्ट वन देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं, वैदिक पीरियड पार्ट वन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक एज, जो आपका वैदिक पीरियड था जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में आपका डिवाइडेड होगा ये सेक्शंस, ओके। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक एज, उसके मंडल्स, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ऋग वैदिक एज पीपल, एंड लास्ट में होगा हमारा एक होमवर्क क्विज जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में दिया था होमवर्क क्विज, क्वेश्चन था आपका वैदिक गॉड नासत्य मेंशन इन बोगास कोई इंस्क्रिप्शन इज आल्सो नोन बाय विच नेम। बोगास कोई इंस्क्रिप्शन में जो वैदिक गॉड नासत्य का मेंशन आपको मिलता है उनको क्या बोला जाता है? आपके ऑप्शन है ए सोम, बी सूर्य, सी अश्विनी कुमार और डी कामदेव। जो नासत्य गॉड हैं इनको अश्विनी कुमार भी बोला जाता है। सोम जो है आपके हम आगे पढ़ेंगे सूर्य के बारे में भी, एंड कामदेव ऋग्वेदिक में ऐसा उनको कोई मेंशन नहीं मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, एंड उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अर्ली वैदिक एज और ऋग्वेदिक एज। अर्ली वैदिक एज जो थी उसको ऋग्वेदिक एज भी कहा जाता है। इसमें आपका जो वेद लिखा गया है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। जो इसका टाइम पीरियड है वो है 1500 BC 2000 BC। जो हमारा ऋग्वेद था या फिर अर्ली वैदिक एज बोलते हैं, ये ऋग्वेदिक काल और ऋग्वेदिक पीरियड आपका 1500 BC टू 1000 BC था। होप आपको विजिबल होगा। अब ऋग्वेदिक जो ऋग्वेदिक एज में लिखा गया है, अर्ली वैदिक एज में लिखा गया है, इसमें क्या थे? इसमें लिरिक्स का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। टोटल अगर इसमें आपसे नंबर पूछा जाता है तो उसमें 1028 हिम्स हैं। हिम्स यानी इसको हिंदी में हम भजन भी कहते हैं, एंड 10580 वर्सेज हैं। ये जो है टोटल जो लिखी गए हैं हिम्स एंड वर्सेस, ये मिला के एक मंडल्स है, कलेक्शन जो है, बुक्स जो है इस मंडल्स में लिखे गए हैं। ये जैसे हम बुक्स होते हैं तो उसमें चैप्टर्स होते हैं, पोएम्स होते हैं, पोइट्रीज होती हैं, ऐसे ही ये मंडल्स हैं जिसमें हिम्स एंड वर्सेस लिखे गए हैं। तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल्स हैं? 10 मंडल्स हैं। मंडल्स को मंडल्स ही कहा जाएगा, बुक्स नहीं कहा जाएगा। ये मैंने जस्ट फॉर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बुक्स भी मेंशन किया गया है। 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। अब ये जो 10 मंडल हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो फर्स्ट एंड टेंथ हैं, जिसको न्यू या यंग भी बोलते हैं। न्यू यंग किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये काफ़ी लेटेस्ट मंडल हैं, सबसे लास्ट में इनको लिखा गया है, या न्यू बोल सकते हैं, यंग बोल सकते हैं, फर्स्ट और 10वां मंडल। साथ ही जो 2 से 7 जो मंडल हैं उनको ओल्डेस्ट बोलते हैं और काफ़ी फेमस हैं, वो काफ़ी पुराने मंडल हैं 2 से लेके 7 तक। उन्हें गोत्र या वंश मंडल भी कहा जाता है, या फिर आप उसे कुल ग्रंथ भी बोलते हैं। जो कुल होता है, वंश होता है, गोत्र हमने सुना है क्या होता है, वो किस में लिखे गए हैं? 2 से 7 मंडल को गोत्र वंश मंडल भी कहा जाता है। फैमिली, इंग्लिश में आपसे फैमिली मंडल भी पूछा जा सकता है, तो वो 2 से 7 मंडल हैं, पुराने भी हैं, ठीक है। अब ये तो 1 से 10 मंडल काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मेनली आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में वो केवल 4 के लिए पूछे जाते हैं। तो वो 4 मंडल्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ उनमें क्या क्या है। अगर क्वेश्चन आता है मेनली तो इन्हीं 4 मंडल में से आपसे पूछा जाएगा, तो आपके लिए मैंने इनका ब्रीफ दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले मैं बताती हूँ, 10वां मंडल जो आपका यंग मंडल है, न्यू मंडल है, उसमें आपको पुरुष सूक्त के बारे में है। पुरुष सूक्त, इसके बारे में आपको बताया गया है। अब पुरुष सूक्त में क्या है? 4 वर्ण्स होते हैं जो कि कर्म के बेसिस पे डिवाइड कर रखे थे ऋग्वेद पीरियड में। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चार ये वर्णों को कर्म के, यानी जो भी ऑक्यूपेशन होता था उस टाइम पे, उस बेसिस पे इसको डिवाइड कर रखा है।
अब ये जो चार वर्ण हैं इसमें पुरुष सूक्त में मेंशन है कि ये चारों वर्ण आपके लॉर्ड ब्रह्मा जो हैं, या फिर ब्रह्मा को पुरुष भी बोला जाता है, ये बॉर्न लॉर्ड ब्रह्मा से हुए। कहाँ कहाँ से? उनके माउथ, आर्म्स, थाइस एंड फीट ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। 10वें मंडल में आपको पुरुष सूक्त के बारे में लिखा गया है। पुरुष सूक्त में आपको चार वर्णन के बारे में बताया गया है। चार वर्ण जो कि कर्म के बेसिस पे आपके होते थे, जो कि कहाँ से निकले हैं? लॉर्ड ब्रह्मा के मुंह, हाथ और थाइस एंड फीट से निकले हैं, यानी जांग और पैरों से निकले हैं। फीट मतलब तलवे, ठीक है? ये आपको 10वें मंडल में बताया गया है। 7वां मंडल, इसके बारे में भी हमको जानने को मिलता है। अब 7वां मंडल क्या है? 7वां मंडल जो है वो ऋषि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है। 7वां मंडल ऋषि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है। इसमें आपको दो ऋषियों का वर्णन मिलेगा। कंफ्यूज मत हुईगा, अगर पूछा जाएगा 7वां मंडल किसने लिखा है तो वो ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है। अब इसमें ही 10 राजन वॉर, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, 10 राजन वॉर, बैटल ऑफ 10 किंग्स जो था, वो कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में आपको मिलता है। जब हम रिवर्स पढ़ रहे थे, सप्त सिंधु रीजन हमने पढ़ा था, तब हमने ये पढ़ा था 10 राजन वॉर कहाँ पे हुआ था? रवि रिवर जो है पंजाब में, या फिर पारुषणी नदी जो ऋग्वैदिक नाम था उस नदी का, उसके पास हुआ था 10 राजन वॉर। अब ये 10 राजन वॉर किसने गाइड किया था? सेज विश्वामित्र, या ऋषि विश्वामित्र भी हिंदी में बोलेंगे तो, ऋषि विश्वामित्र ने गाइड किया था। दो ऋषि कौन से हुए? फर्स्ट जो है वशिष्ठ है, दूसरे हैं विश्वामित्र। वशिष्ठ ने 7वां मंडल लिखा है। और जो 10 राजन वॉर है 7वें मंडल में, उसको गाइड किसने किया था? विश्वामित्र ने। 10 राजन वॉर कहाँ पे हुआ है? पारुषणी नदी या रावी नदी के पास, ठीक है? अब जो है रावी नदी के पास 10 राजन वॉर हुआ है। 10 किंग के बीच में युद्ध हुआ था, तो मेनली वो किसके बीच में था? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके बीच में था, तो हम बोलेंगे जो पुरुष थे, भरत, जो हम महाभारत में भी सुनते हैं, जो पुरुष और भरत भारत थे, और त्रित्सु जो सुदास था। अब विनर कौन था? सुदास, त्रित्सु का सुदास विनर था, ठीक है? ये तीनों चीज़ें 10 राजन वॉर के बारे में आपसे पूछी जा सकती हैं। पारुषणी नदी के पास हुआ था, ऋषि विश्वामित्र ने इसको गाइड किया था कि कैसे करना है इस युद्ध को, और साथ ही भरत और सुदास के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास जो था वो विनर रहा, ठीक है? इसके बाद तीसरा मंडल आता है। तीसरा मंडल जो है वो हमारा है, उसमें गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जो कि किसको डेडिकेटेड है? तीसरा मंत्र जो गायत्री मंत्र है वो उसमें सावित्री देवी। अब क्वेश्चन में हो सकता है आपको सावित्री देवी ना मिलके ऑप्शंस में सूर्यदेव मेंशन होगा, जो सूर्यदेव को भी डेडिकेटेड है गायत्री मंत्र। सूर्यदेव बोला गया है, ऋग्वेद में ही बोला गया है, जो सूर्यदेव है उनका ही फीमेल रूप है सावित्री देवी, ठीक है? साथ ही तीसरे मंडल में आपको अग्नि और इंद्र के बारे में भी मिलेगा। तीसरे मंडल में दो चीज़ें कौन सी हैं? गायत्री मंत्र और अग्नि और इंद्रदेव के बारे में। और गायत्री मंत्र किसको डेडिकेटेड है? हो सकता है सावित्री देवी हो ऑप्शन में, या फिर सूर्यदेव हो, ठीक है? इसके अलावा एक और मंडल आपको सुनने को मिलता है, 9वां मंडल, जो कि है सोम मंडल। सोम मंडल भी इसको बोला जाता है। अब सोम मंडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सोम को डेडिकेट है। अब सोम का अलग अलग आपको इसमें, अगर आप बुक्स वगैरह में पढ़ेंगे तो कोई एक चीज़ नहीं मिलेगी उसको। सोम को ऋग्वेद में सेक्रेट पोर्शन में बोला गया है। अल्कोहलिक ड्रिंक जो होती है वो भी बोला गया है। साथ ही प्लांट्स जो होते हैं उनका किंग भी बोला गया है सोम को। तो 9वां मंडल सोम मंडल है, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे जो ऋग्वेद था उसमें जो लोग होते थे उनकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस लाइफ कैसी थी। कैसे उस टाइम पे जो लोग थे वो पॉलिटिकली रहते थे, सोशली रहते थे, या फिर रिलीजियस कैसा था, उनका रिलीजन कैसा था उस टाइम का, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो अगली हमारी पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ उस टाइम की क्या थी, ऋग्वैदिक कालीन लोगों की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। तो उन्होंने अपनी पॉलिटिक यूनिट्स बनाई थी। आज भी जैसे पॉलिटिकल यूनिट्स होती हैं विलेज पे, स्टेट पे, सेंटर पे, ऐसी उस टाइम पे भी पॉलिटिकल यूनिट्स थी। सबसे पहली यूनिट थी कुल, सबसे छोटा होता था द फैमिली, ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, ठीक है? सबसे छोटा होता था कुल, जिसको फैमिली कहते हैं, और उसके हेड को क्या बोलते थे? कुलब। जैसे आपकी भी फैमिली होगी, इसमें आपके हेड जो होंगे, फादर होंगे,
या दादाजी होंगे उनको आप क्या बोलेंगे, कुलप बोलते थे उस टाइम पे। फिर होता था ग्राम, ग्राम हम हिंदी में जानते हैं, इंग्लिश में विलेज बोलते हैं, जिसका हेड होता था ग्रामणी। विश क्लैन, उसका होता था विशपति। जन होता था पीपल, जन होते हैं जिसका गोप या गोपति होता है। राष्ट्र पूरी कंट्री को बोलते हैं, जिसका हेड राजन कहलाता था। इसके अलावा उन्होंने पॉलिटिकल मिनिस्टर बना रखे थे, जैसे आजकल भी बहुत सारे पॉलिटिकल मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल पे होते हैं आपके। उस टाइम केवल तीन जो थे मेनली उन पॉलिटिकल मिनिस्टर्स थे ऋग्वैदिक पीरियड में। सबसे पहला जो था, सबसे फर्स्ट रैंक पे था, वो होता था पुरोहित, जो हम सुनते भी हैं टीवी वगैरह में, राज पुरोहित वगैरह होते हैं। तो जब सबसे पहला होता था वो द पुरोहित होता था, डोमेस्टिक प्रीस्ट होता था। इसके बाद होता था सेनानी, सेना से आप याद कर सकते हैं, आर्मी चीफ है, सेना से सेनानी होता था, आर्मी चीफ का मिनिस्टर। ग्रामीणी यानी हेड ऑफ विलेज, ठीक है। इसके अलावा असेंबलीज होती थी उस टाइम पे भी, जो भी फैसले करते थे, जस्टिस होता था, ऐसे जो भी होती थी असेंबलीज होती थी। चार तरीके की असेंबली होती थी, कौन कौन सी, सभा, समिति, विधाता और गण। और जो ये है फीमेल अटेंड कर सकती थी, सभा और विधाता जो असेंबली थी उसको अटेंड कर सकती थी फीमेल्स भी, ठीक है। अब हम देखते हैं उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड पीपल्स। सबसे पहले हमने पढ़े थे वर्ण, वर्ण हमने किस में पढ़े थे, पुरुष सूक्त में, जो कि कौन सा था, दसवां मंडल में था। अब ये वर्ण ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड थे, यानी कि जो टीचर प्रीस्ट होते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था, ब्राह्मण वर्ण में आते थे। रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर जो होते थे वो क्षत्रिय वर्ण में आते थे। मर्चेंट्स, फार्मर्स, बैंकर्स जो भी होते थे वो वैश्य में आते थे। और आर्टिशंस और लेबर्स कौन से में आते थे, शूद्र में आते थे। ये ऑक्यूपेशन वाइज डिवाइड कर रखे थे वर्ण्स, ठीक है। यूनिट ऑफ सोसाइटी मतलब जो यूनिट थी, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी कौन सी थी, वो फैमिली थी, जो कि प्राइमली मोनोगैमस एंड पैट्रियकल होती थी। पैट्रियकल मतलब कि वो उस टाइम पे जो पिता थे उनको ही हेड माना जाता था, उन्हीं के बेसिस पे सब कुछ होता था, जो जैसा वो कहते थे और आगे भी होने वाला था। अभी जैसे यहाँ पे मेंशन में फादर प्रॉपर्टी कौन इनहेरिट करता था, बाय सन प्रॉपर्टी फादर की इनहेरिट हो गई थी। आजकल तो जैसे डिवाइड भी कर देते हैं, उस टाइम पे सिर्फ फादर की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाती थी जो सन होता था। विडो जो होती थी वो मैरी कर सकती थी यंगर भाई से, जो भी उनका हस्बैंड होता था उनकी डेथ के बाद, या फिर वो हार जाते, कुछ भी ऐसा होता था, तो उसके बाद उनके छोटे भाई से विडो मैरी कर सकती थी। इसको पूरा जो बोलते थे सिस्टम को, वो नियोग सिस्टम था। और आर्यंस जो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फॉन्ड ऑफ थे, वो किसके थे, सोम सुर फूड ड्रेसेस, उस टाइम पे यही उनके शौक होते थे, सोम और सुर। जैसे हमने सोम अभी पढ़ा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स थी उस टाइम पे, वो यही सब पसंद करते थे उस टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा उन सोशल लाइफ में उनके आश्रमों के बारे में वर्णन मिला है, इसके आश्रम के बारे में डिटेल्स मिलती हैं ऋग्वैदिक पीरियड से। बट जो इसका रिडन एविडेंस है, जो इसका लिखित एविडेंस है, वो कहाँ से मिला है, वो जबालोपनिषद से मिला है, जो कि लेटर वैदिक एज में लिखी गई थी। लेकिन ये आश्रम जो थे वो ऋग्वैदिक एज से ही थे। अब आश्रम कौन से थे, वो चार आश्रम हैं, कौन कौन से हैं। ब्रह्मचार्य सबसे पहला होता था, जो कि स्टूडेंट लाइफ होती थी उसको ब्रह्मचार्य आश्रम बोलते थे। उसके बाद हाउस होल्डिंग मतलब घर वगैरह, अपना शादी वगैरह कर लिए उसके, उसको हम बोलते थे गृहस्थ, जिसमें बच्चे वगैरह कर लेती थे उसको गृहस्थ बोलते थे। उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं उसको वानप्रस्थ, और उसके बाद रिनशिएट को संन्यास। ये फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ भी हम आजकल बोलते हैं, वही आश्रम होते थे उस टाइम पे। अब मेनली किस लिए होते थे, ये फॉर्म किए गए थे ताकि चार पुरुषार्थ जो हैं, चार एम्स हैं जो लाइफ के, उनको अटेन कर सके इंसान। कौन से चार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब ड्यूटीज जो भी उनके थी, मोरालिटी हैं, अर्थ वेल्थ हेल्थ, काम लव रिलेशनशिप, मोक्ष फ्रीडम लिबरेशन। इन चारों को अटेन करने के लिए चार ये आश्रम बनाए गए थे, ठीक
ठीक है। इसके बाद आती है उनकी रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ कैसी थी ऋग्वैदिक लोगों की, अर्ली वैदिक लोगों की? उन्होंने उनके ऋग्वैदिक काल में मेनली हमको 33 गॉड्स का ही क्लासिफिकेशन मिलता है, जिनको उन्होंने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था। तीन कैटेगरी कौन सी थी? फर्स्ट थी टेरेस्ट्रियल, फिर एरियल या इंटरमीडिएट, उसके बाद सेलेस्टियल। टेरेस्ट्रियल मतलब पृथ्वी स्थानीय, एरियल मतलब अंतरिक्ष स्थानीय, मतलब जो नीचे रहते हैं या अंतरिक्ष में रहते हैं, सेलेस्टियल मतलब द्यू स्थानीय, जो दोनों जगह रहते हैं। और इसके अलावा ये तो हमने कैटेगरी जो 33 गॉड्स को डिवाइड कर रखी थी, इसके अलावा मेनली जो है तीन गॉड का ही हमको उसमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेदिक जो है उसमें किस किस का मिलता है? सबसे पहला जो है इंद्र, या पुरांदर भी उनको बोला जाता है। इंद्र का क्यों बोला गया है कि सबसे पॉपुलर हमको देखने को मिलता है? क्योंकि उन्होंने अपनी 250 ऋग्वेदिक हिम्स जो हैं इंद्र को डेडिकेट कर रखे हैं। उसके बाद है अग्नि, जो कि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 200 ऋग्वेदिक हिम्स अग्नि को डेडिकेटेड है। इसके बाद थे वरुण, जिनको पर्सोनिफाइड वाटर किया गया। उस टाइम पे वरुण को वाटर पर्सोनिफाई किया गया, मतलब वाटर पर्सोनिफिकेशन दी गई है। इसके अलावा सूर्य देवता का उसमें मिलता है वर्णन, जो कि सूर्य देवता है उनके फोर फॉर्म्स माने गए। सूर्य देव को सॉरी पांच तरीके से पूजा जाता था, जो है सूर्य खुद थे, सावित्री, पूषण, मित्र और विष्णु। इन पांच तरीके से सूर्य को उस टाइम पे पूजा जाता था। अब उनकी थी इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था जो आजकल चलता है। इकोनॉमिक लाइफ उनकी मेनली जो एक ही ऑक्यूपेशन देखने को मिलता है, वो कि मेनली जो वहाँ पे करते थे वो था डोमेस्टिकेशन, मतलब पालन पोषण करना पशुओं का। कॉइन्स, अगर आपसे पूछा जाएगा कॉइन्स उस टाइम पे कैसे थे, हम जैसे सुनते हैं कॉइन्स, हम सिल्वर कॉइन, गोल्डन कॉइन, ऐसा भी कुछ नहीं था उस टाइम पे। कॉइन्स वगैरह का कोई वर्णन नहीं मिला है। जो अगर वहाँ पे व्यापार होता था, मीडिया ऑफ एक्सचेंज होता था, बिजनेस होता था, तो उस टाइम पे काउज या गोल्ड ऑर्नामेंट्स लेके ही वो मीडिया ऑफ एक्सचेंज था। इसके बाद उस कल्चर को जो बोला जाता है वो OCP, ऑर्किड कलर्ड पॉटरी बोला जाता है, उस टाइम के ऋग्वेद काल के कल्चर को। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, बट इसका डिस्कशन जो है मैं अगली स्लाइड ऑफ वेदास में करूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका? द टैक्स विच द किंग्स यूज टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन द वैदिक पीरियड वॉज कॉल्ड। आपके ऑप्शन हैं ए विधाता, बी बाली, सी कर या डी वर्मन। जो टैक्स है उस टाइम पे वैदिक पीरियड में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था किंग से, उस टैक्स को क्या बोलते थे? विधाता, बाली, कर या वर्मन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, एंड हम जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। सो उसके लिए यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एम स्क्वायर स्टडी, और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी एट इंस्टाग्राम एम स्क्वायर स्टडी, जिस पर आपको ज़्यादातर अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ में GK क्विज होते हैं, करेंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सो आप हमारी जो फैमिली है एम स्क्वायर स्टडी की, वो थोड़ी और बड़ी हो सके और मैं आपके साथ और ज़्यादा जुड़ सकूँ अबाउट आर एंशंट हिस्ट्री। हम जैसा भी कर रहे हैं, और भी हम ज्योग्राफी के सेशंस भी करेंगे, तो प्लीज़ आप वो भी अगर चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर द डे, बाय बाय।